नमस्कार, मैं रवि शुक्ला, KRC टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। कल सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटी लागू करने का फैसला किया। हिरोशिमा में मोदी की जिलेक्स बैठक। सिद्धरमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। DK शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में देश के विरोधी नेता भी मौजूद थे। बेंगलुरु में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में 8 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साह चरम पर था। सिद्धरमैया सरकार ने शपथ लेने के बाद पहले कैबिनेट की बैठक में चुनाव में किए गए 5 गारंटी वादों को पूरा करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली बार बैठक में यह फैसला लिया क्योंकि यह जनता से हमारा वादा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने युद्ध की ताजा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। कर्नाटक की पहली कैबिनेट बैठक में 5 चुनावी वादे पूरे होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यह टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक के गरीब और मेहनतकश लोगों के हितों का ध्यान रखेगी। भाजपा के पास दौलत है, ताकत है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी और गरीब लोगों के साथ खड़ी रहेगी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है उस दिन अध्यादेश जारी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को हवा दे रही है। इस तरह यह सरकार लोकतंत्र की नींव हिला रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाग को जो स्थान या दर्जा होना चाहिए केंद्र उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2000 रुपये रद्द करने का फैसला किया है। यह नोट और नकली होता जा रहा है, इसे बाजार से हटा लेना ही बेहतर है। हालांकि इस नोटबंदी को लेकर सांसद और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने सवाल खड़े किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर नोटों को बंद करना ही था तो 2016 में क्यों लाए गए। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार। Job opening for fresh graduates with good communication skills. Work from home with a laptop and Wi-Fi connection. Send your resume to 5e4success@gmail.com or WhatsApp 9330830083. We shall schedule a call for a telephonic interview.